सेवई एक ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट डिश है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। इस सेवई में हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे आप घर पर बनाए यह डिलीशियस सेवई। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी ले लेंगे। इसमें 10 से 15 काजू डाल के इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद किशमिश को भी हल्का भून लेंगे। इसके बाद इसी घी में हम 50 ग्राम सेवई डालेंगे। आप यहाँ पे कोई भी सेवई का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बनारसी सेवई लिया है। सेवई को लो फ्लेम में अच्छे से भुनेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना निकलने लगे। अब हमारी सेवई से अच्छी सी खुशबू आ रही है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में हमने 1/2 लीटर दूध लिया है जिसको हम मीडियम फ्लेम में बॉईल आने तक पकाएंगे। हमारा दूध बॉईल होने लगा है, इससे हम 2 से 3 छोटी इलायची डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 से 4 कप फ्रेश मलाई डालेंगे। आप मलाई को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम भुना हुआ सेवई इसमें डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे खजूर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वजन में 100 ग्राम है। आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यकीन मानिए खजूर गुड़ से खीर का स्वाद दोगुना हो जाता है। इसके बाद हम इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फ्लेम को 1/2 कर देंगे। इसमें हमने गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता का इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शनल है। रेडी है हमारा खजूर गुड़ का सेवई खीर। आप इसको कभी भी बना के अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।